चलिए कोटा के आज के दूसरे दिन की शुरुआत करते हैं। सुबह करीबन 7:30 बजे रेलवे के रिटायरिंग रूम से मैं चेकआउट कर देता हूँ, लेकिन जाने से पहले मुझे आप लोगों को यहाँ से दिखने वाला व्यू दिखाना था जो रात में ढंग से मैं भी नहीं देख पाया था। एक रात पहले कोटा में घूमने के लिए कुछ जगह मैंने डिसाइड तो कर ली थी, लेकिन अभी भी प्लान एकदम रैंडम था। मुझे किसी ने बताया था कि कोटा में नयापुरा नाम की कोई जगह है जो कोटा का सेंट्रल पॉइंट माना जाता है, इसलिए मैं स्टेशन के सामने से ही 20 रुपए में सिटी बस ले लेता हूँ। और प्लान ये था कि मैं 7 वंडर्स के पास उतरूंगा, लेकिन बीच में मुझे यहाँ पे एक लेक दिखाई दी, इसलिए मैं बस ऐसे ही यहाँ पे उतर गया। लेकिन ये रैंडम डिसीजन एकदम सही निकला, क्योंकि यहाँ पे जूस पीते पीते अंकल ने बताया कि जहाँ पे मैं उतरा हूँ वहाँ पास ही में एक म्यूजियम है। अभी म्यूजियम को खुलने में काफी टाइम बाकी था, इसलिए करीबन 1.5 घंटा मैं यहाँ पर ऐसे ही घूमता रहा, क्योंकि मौसम काफी अच्छा था। वैसे इस लेक को किशोरी सागर कहते हैं और इसके बीच में जो आप जगह देख रहे हैं उसे जग मंदिर कहा जाता है। थोड़ी देर घूमने के बाद स्टेट म्यूजियम कोटा पहुंचा तो इसके खुलने में अभी भी 1 घंटे का टाइम बाकी था, पर यहाँ पहुंचते ही मुझे एक अंकल मिले जो शायद यहाँ के हेड थे, और उन्होंने 1 घंटे पहले बस मेरे लिए म्यूजियम ओपन कर दिया। इस म्यूजियम की एंट्री टिकट केवल 20 रुपए है और यहाँ पे आपको 4th सेंचुरी के जमाने के सिक्के, बर्तन, हथियार और प्रतिमाएं तक देखने के लिए मिल जाएंगी। देखिए वैसे तो म्यूजियम इतना बड़ा नहीं है, लेकिन जिस हिसाब से राजस्थान की संस्कृति और भारत की विरासत को यहाँ पे संभाल के रखा गया है वो सच में लाजवाब है। देखिए सुबह आने का फायदा ये हुआ कि एक तो मैं भीड़ से बच गया और पूरे म्यूजियम को देखने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। अब ये जगह यानी कि किशोरी सागर के एक तरफ म्यूजियम है और दूसरी तरफ है 7 वंडर्स पार्क जो अभी भी बंद था, लेकिन आज मौसम अच्छा था इसलिए बस यूं ही किनारे किनारे में ऐसी चलने लग गया। देखिए ये मेरी समझ से बाहर है कि इतनी सुंदर जगह होने के बावजूद कोटा को अभी तक एक टूरिस्ट प्लेस का अंबल की एजुकेशन सेंटर के तौर पे देखा जाता है, और पर्सनली कोटा मुझे इतनी हैपनिंग जगह लगी कि जयपुर जैसी सिटी की तरह इसे बिना बोर हुए एक्सप्लोर किया जा सकता है। खैर अब करीबन 10 बज चुके थे और टाइम है ऐसे नाश्ते का जो लगभग पूरे राजस्थान में फेमस है, और ये है कड़ी कचौड़ी जो कोटा में घूमते हुए आपको लगभग हर सड़क और चौराहे पे मिल जाएगी। यहाँ से नाश्ता करते ही मैं कोटा की नेक्स्ट जगह को देखने के लिए निकल गया, जिसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट शॉर्ट व्लॉग में बताने वाला हूँ।